मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें से राज्य में आ रही कई जिलों में बाढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, बारिश कई जगह थमने लगी है, हल्की बूंदाबांदी के बीच अब बचाव कार्य खत्म हो चुका है, अब राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। साथ ही कहा कि राहत कैंप की संख्या घटकर सिर्फ 137 रह गई है और बारिश थमने से शिविरों में ठहरे लोग अब वापस अपने घर लौट रहे हैं। वहीं कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश में 24 घंटे में केवल 10 नए केस आए हैं, 12 लोग ठीक हुए हैं, 162 एक्टिव केस हैं। साथ ही बताया कि संक्रमण दर 0.014 रह गई है और रिकवरी रेट 98.8 हो गया है और 79,000 सैंपल लिए गए हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। बारिश कल सामान्य ही रही, बूंदाबांदी की तक ही सीमित रही और इसलिए राहत कैंपों की संख्या भी अब घट गई है, 137 कुल राहत कैंप रह गए। लोग अधिकांश शिविरों में बारिश थमने के कारण से वो अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अपने अपने गंतव्यों की ओर जा रहे हैं। जो ऊंचाई पर लोग थे वो भी अब लौटकर अपने अपने घरों में वापस पहुंच गए। राहत कार्य, बचाव कार्य के बाद अब राहत कार्य तेजी से जारी कर दिया गया है। कोरोना के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में कुल 10 नए केस कल आए हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए हैं। 162 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कुल बचे हैं। संक्रमण दर 0.014 अब प्रदेश की रह गई है, जबकि रिकवरी दर 98.8 मध्य प्रदेश की हो गई।